बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी को लेकर के बिहार के तमाम आला ऑफिसर के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में डुगडुगी पिटवा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से कर दी गई है और यह सफल भी हो गई है। यह शराबबंदी क्या बिहार में वाकई सफल हो गई है? क्या बिहार में वाकई शराबबंदी है? शराबबंदी है तो बिहार में क्या शराब अब नहीं मिलता? तमाम ऐसे सवाल जैसे ही हमारे सामने आते हैं, हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस मुस्कान के पीछे एक बड़ा राज छुपा होता है। उस राज पर अगर आप जाएंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि क्या होता है। हम आपको आज उस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी है तो कैसी है? नीतीश कुमार अगर डुगडुगी पिटवा रहे हैं तो क्यों पिटवा रहे हैं, यह भी मायने हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको पहले इस महिला के बयान को गौर से सुनना होगा। वोट का दौर है, यानी किस प्रकार से जनता से वोट मांगे जाएं, इसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी का एजेंडा लागू कर चुके हैं। और किसके पक्ष में, किसके पल्ले में कौन से जनता के वोट मिलेंगे, वो भी लगभग लगभग तय हो गया है। सुनिए इसी प्रकार से इस महिला के बयान को जरा गौर से। यह महिला खुद नशे में है और शराब के नशे में है। इस महिला ने इस बात को कबूला भी कि उसने शराब पी है, और इस बात के लिए भी कबूला कि हाँ, बिहार में शराब मिलती है, क्योंकि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है। और जब पूर्ण रूप से शराबबंदी है तो बिहार में शराब की जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है, यानी बढ़ चढ़ करके जितना ज़्यादा मात्रे में शराब आपको चाहिए शायद बिहार में मिल जाती है। अब भी हालात क्या है हम आगे बताएंगे, उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे इस महिला के इस दिलचस्प बयान को। सुनिए ज़रा गौर से आप। शराबबंदी से फायदा हुआ है? हुआ है बाबू। क्या फायदा है? अभी शराब मिलता है कि नहीं? मिले है, पीते हैं, पीले छे भी बात हम बोल रहे हैं, पीले छे बात है। लेकिन हम देंगे तो उन्हीं को देंगे। दारू मिलता है तो क्यों दीजिएगा? जब शराब बंदी है, बंद कर दिया हमको, उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इस चीज से मतलब है कि लाइन में रहते हैं बढ़िया से, बाल बच्चा सारा ठीक से रहता है। पक्की पर जो पानी में चलते थे, अभी रोड पर चलते हैं बढ़िया तरीका से। तो आप शराब पी हुई है? कहाँ से करते हैं? सब बेचता है तो पी लेते हैं। तो पहले से महंगा मिलता है कि उसी रेट में मिलता है? बहुत महंगा मिलता है। एक बात को, इस बात को याद रखिए सर, जब पत्नी होकर के शराब पी सकते, जो झाड़ू नीतीश कुमार के सामने पति को मारा गया था उस समय में ये बोल रहे मैं पिए हुआ हूँ, तो किस तरह की सरकार चल रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, सरकार क्यों ऐसा सरकार चल रहा है? नीतीश कुमार बहुत अच्छा आदमी है। ये बोल नहीं आपके सामने मैं पिया हुआ हूँ, तो कहाँ शराब मिला? दारू देता है उसी को वोट देंगे? हम उसी को वोट देंगे। दारू देता है? हमको दारू देता है, हम पीते हैं, हम उसी को वोट देंगे। इस बात का नोट किया जाए सर? नोट कीजिए। हम हैं आधार कार्ड मेरा, हम ला के कल देते हैं आपको। सहरसा का मेरा आधार कार्ड है सर, हम सहरसा से वोट देते हैं नीतीश कुमार को। तीर छाप पर देंगे। तो महिला भले ही शराब के नशे में हो लेकिन वोट नीतीश कुमार को ही देगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने शराबबंदी किया। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर के पूर्ण सफलता के लिए पूरे बिहार में डुगडुगी भी पिटवा रहे हैं। नीतीश कुमार इसको लेकर के अस्वस्थ हैं कि उन्होंने पूर्ण रूप से बिहार में शराबबंदी कर दी है और लोग भी इसे भली भांति अपना चुके हैं। लेकिन हकीकत क्या है इसकी, पोल इस महिला ने खोल दी है। और जिस प्रकार से यह महिला बावजूद इसके अब भी नीतीश कुमार को ही वोट देने की बात करती है, तो आखिर क्यों? यह आप भी समझदार हैं, आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। बिहार में शराबबंदी तो है, शराब अगर भले ही छुप छुपा के आपको मिल जाती हो लेकिन पुलिस का उस पर भी अंकुश है। और ऐसे में जो रोड पर आए दिन घटनाएं होती थी, जो घरों में गृह कलेश होते थे, उससे लोगों को जरूर निजात मिला है, क्योंकि शराब महंगी जो हो गई है। और देखने वाली बात है कि बिहार सरकार के नाक के नीचे अगर इस तरीके से शराब बेचे जा रहे हैं, लोग खुलासा कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं हुई? सवाल बड़ा है, जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया के पास होना चाहिए, उनके पास जब नहीं है तो हमारे पास कहाँ से? क्या नीतीश कुमार को ये वीडियो दिखाए जाने के बाद भी इस बात के लिए पुष्टि होगा, संतुष्ट हो जाएंगे कि बिहार में नाक के नीचे उनके शराब अब भी उपलब्ध है, अब भी लोगों को मिल जा रहा है?
और उसके लिए अगला पैमाना क्या होना चाहिए, अगर अगली बार सरकार जिसकी बनती है तो क्या वो इसे भी पूर्ण रूप से बंद करवाएगा या फिर ऐसे ही चलते रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।